तो और तो मेरे भाई लोग तो कैसे हो यार, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आ चुके हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजीएमआई के बारे में। तो बीजीएमआई को क्यों प्ले स्टोर से और एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव किया गया, और यहाँ पे ये बैन कितने दिन का है, क्या बैन आगे बढ़ेगा या फिर गेम वापस आएगा या फिर नहीं, सारा कुछ इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले है। तो वीडियो का एक भी पार्ट बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि बीजीएमआई को क्यों बैन किया गया और कब तक बीजीएमआई जो है प्ले स्टोर में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि BGMI को जो है फिर से बैन क्यों किया गया। ये गेम आया था सारे कुछ सिक्योरिटी चेक होने के बाद, तो फिर इस वाले गेम को जो है क्यों बैन किया गया। तो काफी सारे लोगों की आपने वीडियो देख रखी होगी, उन्होंने बताया कि जो BGMI है जो एनजीओ की रिक्वेस्ट की वजह से बैन किया गया है। तो ऐसे किसी एनजीओ की बोलने की वजह से जो गेम है वो बैन नहीं होता है, गेम जो है बहुत ही बड़े सिक्योरिटी रीजन की वजह से बैन किया गया है। तो गवर्नमेंट ने जो गेम को है वो किस वजह से बैन किया गया ये ऑफिशियली रीजन किसी को भी मालूम नहीं है। शायद आप YouTube पे कितना भी सर्च कर लो, आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं देगा। तो गेम बैन होने के दो दिन बाद जो है क्राफ्टन के सीईओ का रिप्लाई आता है, जहां पे उन्होंने बोला है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से बात करने की जो गेम है वो वापस से प्ले स्टोर के ऊपर लाया जाए। क्राफ्टन का रिप्लाई आने के कुछ टाइम बाद जो है गवर्नमेंट और क्राफ्टन की मीटिंग हुई, वहां पे गवर्नमेंट ने क्राफ्टन से काफी सारे सवाल पूछे है। गवर्नमेंट ने जो भी सवाल जो है क्राफ्टन से किए है उनका जवाब जो है क्राफ्टन को 14 दिन के अंदर अंदर देना होगा। अगर क्राफ्टन कंपनी गवर्नमेंट के पूछे गए सारे सवालों का जवाब सही से दे देती है तो गेम को जो है फिर से गवर्नमेंट की तरफ से जो प्ले स्टोर के ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी आप लोग को लगभग 14 से 15 दिन का वेट करना होगा। अगर कंपनी जो है गवर्नमेंट के सारे लॉ को फॉलो करती है तो गेम जो है हमें 15 अगस्त के आसपास जो है प्ले स्टोर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके दिमाग के अंदर जो भी डाउट आ रहा है कि हमारे गेमिंग चैनल्स का क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा, ई स्पोर्ट में जो हमें इतना ग्राइंड करना है, हमें ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है, तो वो सारे जो है दिमाग से डाउट निकाल देने हैं। क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो प्ले स्टोर के ऊपर आपको 15 अगस्त को गेम जो है देखने के लिए मिल जाएगा, या 15 अगस्त के आसपास आपको 16 या 17 अगस्त को गेम जो है प्ले स्टोर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस भाई लोग फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।